फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं बहुत दिनों के बाद से व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बीच में एक्चुअली क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था और प्यूचू भी बहुत शैतानी कर रही थी, तो बीच में बिल्कुल मुझे वीडियो ही वो बनाने नहीं दे रही थी। तो जो भी मुझे छोटे मोटे जो वीडियोज़ मैं बना पा रही थी, उस पर आप सबका बहुत प्यार आ रहा था, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अभी तक फ़िलहाल लखनऊ में इतने वक्त से रहने के बाद तो मैं अभी तक गई नहीं हूँ, वो है लुलु मॉल। तो आज हम लोग लुलु मॉल घूमने जा रहे हैं, मैं, पीयूची और मेरे हस्बैंड। तो आज देखते हैं कैसा है लुलु मॉल, काफ़ी मैंने सुना है उसके बारे में, तो आज फाइनली हम लोग निकल ही रहे हैं उसके लिए। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको लुलु मॉल का हर एक सेक्शन दिखाऊँगी, और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी मैं आपको पूरा उसमें बताने की कोशिश करूँगी कि कहाँ कहाँ हम गए उसमें। टाइम भी बहुत कम है और हम निकल भी बहुत लेट में रहे हैं, तो देखिए अब कितना टाइम लगता है हमें आने में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। आइए हम फटाफट अब निकलते हैं लुलु मॉल के लिए। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं पेंट्री के इस ऐसे सेक्शन में आए हैं जहाँ पे आपको हर वैरायटी का नॉनवेज मिल जाएगा, चाहे वो सी फूड हो या आपका प्रॉपर नॉनवेज हो जो आप रेगुलर बेसिस पे भी बहुत लोग खाते हैं, और जो फ़िश है, और आपका मतलब बहुत सारे वैरायटी मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, आप खुद देख लीजिए इसमें फ्रेंड्स। इसमें आपको चिकन की हर एक वैरायटी मिलेगी, उसके अलग अलग पार्ट्स भी मिलेंगे, उन्हें अलग करके रखा गया है, इवन आपका इंटेस्टाइन तक उसमें है। और ये देखिए, पूरा फुल चिकन जो है ये भी रैप करके रखा गया, ये भी मिल जाएगा आपको। ये छोटा वाला है आपका, ये क्वेल है जो बटेर हम कहते हैं, और फिर सबसे ऊपर है वो ब्लैक कलर का जो सबसे ऊपर देख रहा है 999 में, वो आपका है कड़कनाथ, जो कि बहुत महंगा आता है। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स, ये इसका ब्लड भी ब्लैक ही होता है। तो और ये आप खुद भी देख सकते हैं, मैं आपको ये मैरिनेटेड सारे हैं। ये जैसे आपने अगर मुकबांग देखा होगा तो कोरिया साइड में जैसा आप देखते हैं ना कि वो शॉपिंग करने जाते हैं तो मैरिनेटेड सारे आइटम रखे रहते हैं ऑलरेडी। और ये पूरा फुल मटन का है आपका, सिर्फ इसका नेक पीस हट गया है, और ये पूरा आपको लग, ये मे भी आपको शायद 6,000 के लगभग ये आपका, ये पूरा फुल होल मीट मिल रहा था ये। और इसके अब आपका जो वो मटन है, मटन का भी आपको हर एक पार्ट अलग से मिल रहा है यहाँ पे, जो आप उसका इवन देखिए आप ब्रेन तक मिल रहा है उसका ब्रेन, और वहाँ पे लेने वालों की कमी नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ पे सेल हो जाती हैं, सारी चीज़ें फ्रेंड्स आप इमेजिन नहीं कर सकते, सारी चीज़ें। और ये देखिए लीवर है, और फिर उसके बाद से आपका मटन टंग भी है आपको, ऊपर आपको दिख रहा होगा 450 kg है जो लिखा हुआ है रुपीज़ का। और ये आपका ये देखिए, ये फुल लेग पीस है, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत अलग अलग तरीके का है ये, मैंने खुद भी पहली बार देखा है ऐसे। और ये उसके मटन के समझ लीजिए आपको हर एक पार्ट, कोई भी वेस्ट में नहीं गया है, सब कुछ सेल होने के लिए यहाँ पे प्रॉपर वे में इसको रैप्ड करके रखा गया है। और ये वो चिकन का मैरिनेटेड पार्ट था, ये मटन का मैरिनेटेड पार्ट है, जो भी आपने अभी इसे रॉ में देखा है वो सारा मैरिनेटेड करके भी रखा गया है। और फ्रेंड्स,
आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, ये एक से दो दिन में, दो से तीन दिन लगभग लगते हैं, सब कुछ सेल हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। और ये सी फूड सेक्शन है, बहुत सारी वैरायटी की फ़िश थी। अगर आप लुलु मॉल में विज़िट करते हैं और अगर आप बहुत शौकीन हैं खाने के, तो अगर आप यहाँ से, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको ये आपने परचेस किया भी होगा तो आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आप यहाँ पर हर एक चीज़ मिलती है। यहाँ प्रॉन्स है और अभी मैं फ़िश की वैरायटी आपको दिखा रही हूँ, एक एक करके बहुत अलग अलग तरीके का है। एक तरह से समझ लीजिए कि देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती थी जैसे लग रहा था म्यूज़ियम में आए हुए हैं। क्योंकि यूजुअली तौर पे हमें मॉल्स या मार्ट में इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती हैं। और ये ओपन फिश भी था, देखिए ऊपर ये उनकी पीसेज है, ये एक एक करके इनको पूरी आइस में रखा गया है पूरा। और ये बहुत छोटे छोटे वाले पीसेज हैं, फ्रेश आप कोई भी इसमें आपको चीज़ें अलग से नहीं, सब कुछ फ्रेश, सब कुछ। और ये बहुत अलग तरीके की फिश थी, मैं इसको पूरा तो नहीं दिखा सकती क्योंकि इसे आइस से कवर किया गया है, बट इसका फेस देख सकते हैं, बहुत अलग तरीके की ये फिश है, बहुत ही ज़्यादा अलग थी ये। और हम आगे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ देखिए फ़िश के भी पार्ट्स हैं, इनको भी ओपन करके आप सेल किया जा रहा है। और वहाँ पे ख़रीदारों की कमी नहीं थी फ्रेंड, मेरे सामने ही मीट का और चिकन का और फिश का जो जो पार्ट्स हम नहीं ख़रीदने के लिए सोच सकते हैं वो भी वहाँ पे सेल हो रहा था। तो ये रहा, यहाँ देखिए ये भी है फिश है, ये छोटे छोटे पीसेस में करके रखा गया है, देखिए छोटे छोटे पीस, बिल्कुल आपको इसमें मेहनत भी नहीं करनी है, बस घर लाइए और डायरेक्टली आप इसे ग्रेवी में आप इसे बना सकते हैं। इसको ना आपको धुलने के लिए इसमें चिंता है, ना इसको कटवाने की चिंता, बिल्कुल फ्रेश मटेरियल है। और ये देखिए बहुत सारे फिश थे फ्रेंड्स, मैं तो कुछ फिश, कुछ इसमें फिशेज़ के नाम भी नहीं मैं जान रही हूँ, बहुत सारी हैं। और ये